सो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हो एकदम बढ़िया ही होंगे। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग करना सिखाने वाला हूँ, और डेस्क के ऊपर आप HD तरीके से आप कैसे कलर कर सकते हो वो आज की इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। फेस को आप HD तरीके से आप गोरा कैसे कर सकते हो वो भी आज बताऊंगा, ठीक है? तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना। वीडियो का इस सबको थोड़ा सा भी पसंद आए इस वीडियो को एक लाइक करके देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके देना। तो चलिए गाइस, वीडियो कर लेते स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट करके। तो गाइस, सबसे पहले अपने फोन से स्नैपचैट आपको ओपन करने के बाद ये बोले बैकग्राउंड को भी आपको ऐड कर लेना है। यहाँ से आपको नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। आपको पेंसिल ऑप्शन पर सिंपली से क्लिक करके नीचे आपको आ जा रहा है डबल एक्सप्लोजर पर क्लिक करके आपको प्लस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने ओरिजिनल फोटो को ऐसे ऐड कर लेना है। सो गाइस, देख सकते हो हमारा फोटो जो हमने ऐड कर लिया, इसको फोटो को आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है अपने बैकग्राउंड के ऊपर। इसके ऑपोजिट को पूरा आपको ऐसे 100 पर क्लिक करना है, ठीक है? ऐसा करने के बाद ऊपर एक यार ऑप्शन पर क्लिक करके आपको व्यू एडिट पर क्लिक करना है, डबल एक्सप्रेस पर क्लिक करके ये बड़े ब्रश को आपको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है? सो गाइस, देख सकते हो यहाँ पर आपको इन्वर्ट पर क्लिक करने के बाद देख सकते हो फोटो को जूम करके अपने बैकग्राउंड के ऊपर ऐसे आपको अप्लाई कर देना, देख सकते हो गाइस। सो गाइस, मैं थोड़ा जल्दी क्लिक कर लेता हूँ, नहीं तो वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी, आपको देखने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो गाइस, देख सकते हो अपने बैकग्राउंड के ऊपर अपने फोटो को बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने यहाँ पर ऐड कर लिया। ऐसे फोटो को आपको डन कर देना, ठीक है? सो इतना करने के बाद दोबारा से आपको पेंसिल ऑप्शन पर क्लिक करने, नीचे एक ऑप्शन आपको दिख जाएंगे, एक ऑप्शन आपको दिखेंगे कंट्रास्ट एंड टोन, ठीक है? इस पर आपको क्लिक करके इसकी हाईलाइट टोन को थोड़ा इंक्रीज करना है, मीडियम टोन को भी थोड़ा इंक्रीज करके, लो टोन को थोड़ा इंक्रीज करके, प्रोटेक्ट शैडो को थोड़ा इंक्रीज कर लेना है, प्रोटेक्ट हाईलाइट को भी थोड़ा इंक्रीज कर लेना है। सो गाइस, इतना करने के बाद यहाँ से फोटो को डन करके दोबारा से आपको क्लिक करना है टून इमेज पर, ठीक है? इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा इंक्रीज करके, कंट्रास्ट को भी थोड़ा इंक्रीज करके, सैचुरेशन को भी थोड़ा इंक्रीज करने के बाद एम्बुलेंस को भी थोड़ा इंक्रीज कर लेना, हाईलाइट को थोड़ा माइनस करके शैडो को थोड़ा प्लस पर कर देना, ठीक है? सो इतना करने के बाद दोबारा से अपनी फोटो को डन कर देना। देख सकते हो फोटो के ऊपर कितना कलर आ गया, तो भी इसको भी और भी ठीक ठाक करने के लिए आपको पेंसिल ऑप्शन पर क्लिक करके आपको स्लिक टिप पर क्लिक कर देना है। सो गाइस, फोटो को जूम करके अपने फेस को सबसे पहले गोरा कर लेना, आपको फेस के ऊपर ऐसे सिलेक्ट करके देख सकते हो गाइस, ब्राइटनेस को थोड़ा सा आपको इंक्रीज कर देना है। तो देख सकते हो हमारा फेस थोड़ा गोरा हो रहा है, इस टेक्सचर को भी थोड़ा माइनस कर सकते हो अपने फोटो के हिसाब से ये करना है, ठीक है? ब्राइटनेस को सबसे पहले आपको इंक्रीज करना है, ये आपको जान रहा है अपने बॉडी के पार्ट जहां पे आपको लग रहा है ब्राइटनेस कम है, इसको इस ब्राइटनेस को ऐसे इंक्रीज कर लेना है। सो देख सकते हो हमारा फोटो कितना बढ़िया लग रहा है, ठीक है? इसको देख सकते हो फोटो का बिफोर आपका दिखा दिया हमने। दोबारा से गाइस, आपको पेंसिल ऑप्शन पर क्लिक करके बहुत सारे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। यहाँ पर आपको सिलेक्ट पर क्लिक करके अपने डेस्क के ऊपर कलर करने के लिए अपने डेस्क के ऊपर ऐसे सिलेक्ट करना है, कंट्रास्ट को ऐसे माइनस करना है, ब्राइटनेस को थोड़ा कम कर देना है, टेक्सचर को पूरा आप सबको 100 करना है भाई। सैचुरेशन को अपने फोटो के हिसाब से आप ऐड कर सकते हो, ठीक है? सो इसको भी आपको स्ट्रक्चर को माइनस मतलब फुल कर देना है, ब्राइटनेस को भी थोड़ा कम पर कर देना है, और स्ट्रक्चर को पूरा ऐसे 100 पर कर देना है। सो गाइस, देख सकते हो हमारा डेस्क का भी कलर कितना बढ़िया हो गया, ठीक है? आपको अभी इस फोटो को क्या करना है, दोबारा से आपको पेंसिल ऑप्शन पर क्लिक करके आपको डिटेल्स पर क्लिक करके शार्पनिंग को थोड़ा से आपको इंक्रीज करने की, ठीक है? अभी इस फोटो को डन कर देंगे। सो गाइस, अभी इस फोटो को शेयर कर लेंगे लाइटरूम ऐप के अंदर, ठीक है? सो यहाँ पर देख सकते हो ऊपर एक शेयर का ऑप्शन आपको दिख जाएंगे कॉर्नर में ऊपर के साइड, ठीक है? यहाँ पर आपको शेयर ऑप्शन पर क्लिक करके अभी इस फोटो को शेयर करेंगे लाइटरूम ऐप के अंदर। सो गाइस, देख सकते हो लाइटर में आपको ओपन करने के बाद सबको ऑल फोटो पर क्लिक कर देना। देख सकते हो यही फोटो हमने एडिट किया था। सबसे पहले गाइस, ये वाला प्रीसेट को आपको डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। सो यहाँ पर आपको थ्री डॉट दिख जाएंगे कॉर्नर में, यहाँ से आपको सिंपली से क्लिक करके आपको कॉपी सेटिंग पर क्लिक कर देना है। ये पर गलती से लग रहा है, दोबारा से गाइस मैं कॉपी सेटिंग पर क्लिक करके ऐसे फोटो को डन कर देता हूं। तो देख सकते हो यहाँ पर फोटो को ऐड मतलब ये फोटो पर आने के बाद इसे आपको थ्री डॉट पर क्लिक करके आपको कर देना पेस्ट सेटिंग। सो गाइस, इतना करने के बाद देख सकते हो हमारा फोटो का कलर रिटचिंग वन क्लिक के अंदर हो जाएगा। देख सकते हो इस फोटो का बिफोर आफ्टर
कितना कमाल का लग रहा है, आप भी कर सकते हो ऐसा एडिटिंग वन क्लिक के अंदर, ठीक है। तो देख सकते हो आप डेस्क का कलर, देख सकते हो कितना सीबी इफेक्ट आ चुका है, मतलब आरदी डेबुक भाई का जो इफेक्ट है वो अपने टी शर्ट के ऊपर आ गया। सो गाइस आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद है इस वीडियो को एक लाइक करके देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके देना। आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।